इतना ही दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य अजय जी ये है कि जब अभी कोरोना में बंदी हुई थी, 1.5 साल की बंदी रही, तो सरकारों ने आंकड़ों पर काम नहीं किया। सबसे ज्यादा नुकसान अगर उठाया तो जो 8,000 फैसल फाइनेंस का कॉलेज हमारे क्या है, उसमें जो टीचर्स काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए, उनको 1.5 साल तनख्वाह नहीं मिली, नकल का साम्राज्य है पूरा। जो हमारे क्या का प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस का सिस्टम है, जो प्राइवेट कॉलेज है पूरी दुनिया में, जो प्राइवेट कॉलेज है अजय जी, वो गुणवत्ता को कायम रखने के लिए और बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। और हमारे यहाँ जब आप उत्तर प्रदेश में यहाँ से लेकर पूर्वांचल तक या इधर वेस्ट तक चले जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अगर बदहाली का, बद इंतजामी का और बेईमानी का कोई स्रोत है तो वो कॉलेज बन के रह गए हैं। बच्चा सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस को नहीं मिल रहा है, ये ऊपर सतह पर दिखाई देने वाली समस्या है और सतह के अंदर ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं। मतलब जो एक तरीके से कहते हैं ना, सतह के नीचे की डिस्टर्बेंसेस हैं, ऊपर दिखाई नहीं पड़ रही है। हमें इस बात को समझना होगा कि पूरी की पूरी जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था है उसका कोई सिस्टमेटिक नियंत्रण नहीं है या सिस्टमेटाइजेशन नहीं है उसमें। हम एक पॉलिसी बनाते हैं दिल्ली में बैठकर, वो जेएनयू पर भी लागू होती है, वो सेंट स्टीफेंस पर भी लागू होती है, वो लखनऊ पर भी लागू होती है, लखनऊ के कॉलेजेस पर भी लागू होती है, लखनऊ के जो ग्रामीण अंचलों में कॉलेजेस हैं उन पर भी लागू होती है, और फिर वही गाजीपुर में लागू होती है, वही जौनपुर में लागू होती है जी। यानी कई तरीके के जो कॉलेजेस हैं उन पर पॉलिसी सब पर एक लागू होती है। दूसरा, डिविजन नहीं है कि किसको क्या करना है, क्यों करना है। लखनऊ विश्वविद्यालय एक रेजिडेंशियल कैंपस था, उसकी स्थापना हुई कि ये उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाएगा, रिसर्च को प्रमोट करेगा। किसी जमाने में यहाँ पर 19 या 20 एसोसिएटेड कॉलेज इससे, यानी जो हम लोग हैं, जो हमारे जैसे कॉलेजेस हैं, वो इससे जुड़े हुए थे, और 5-6 गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो डिविजन है वो यही है। सरकारी कॉलेज जो शुद्ध सरकारी कॉलेजेस हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज हम कहते हैं, एक हमारी तरह है एडेड कॉलेजेस हैं जिनमें एक हिस्सा जैसे जो तनख्वाह का और तमाम हिस्सा सरकार एड के रूप में देती है, एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं और विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस कहते हैं। इसमें एक डिविजन और बढ़ा लीजिए, एक ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी हैं, स्वायत्त कॉलेजेस, जैसे लखनऊ में नेशनल कॉलेज है जिनको अपना एग्जाम कराने के लिए और अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाने की स्वतंत्रता है, मतलब कुछ हद तक स्वतंत्रता उनको दी जाती है, उनका भी एड सरकार ही देती है, तो मतलब कोई हमारे और उनके बीच में फर्क थोड़ी स्वायत्तता का है। कुछ कॉलेजेस इतने हुआ करते थे, नहीं मैक्सिमम 25-26, फिर धीरे 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 सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का जोर शुरू हुआ। अगर आप ठीक से याद करेंगे तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2007 की बसपा की सरकार जब आई थी तो उसने बहुत तेज कर दिया था प्राइवेट कॉलेजेस को एफिलिएशन देना, और धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेजेस को एफिलिएशन बहुत मिलने लगा। वो अच्छा, वो दौर भी था जब वो लग रहा था कि एनरोलमेंट बढ़ेगा, तो चूंकि कॉलेजेस कम थे तो लोगों को एडमिशन भी मिल रहे थे। यहाँ एक बात और मैं जोड़ूंगा, यहाँ भेड़चाल बहुत है। एक जमाने में क्या हुआ कि बीएड करके नौकरी मिल जाया करती थी, प्राइमरी की नौकरी बीएड करके मिल जाया करती थी, तो जैसे ही पहली बार नौकरी मिली या ये शुरू हुआ कि बीएड करके नौकरी मिल जाएगी, धनाधन धनाधन पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे लगा एक बाढ़ सी आ गई बीएड कॉलेजेस की। जहां हम लोग बीएड कॉलेज सुनते नहीं थे पूरे शहर में एक, वहां हर हर ब्लॉक पर एक बीएड कॉलेजेस खुलने लगे, इतने सारे बीएड कॉलेज खुल गए। एक आंकड़ा भी है मेरे पास कि जो पूरे कॉलेजेस हैं उसमें 30.9% सिर्फ बीएड के कोर्सेज चलाते हैं। फिर आप जानते हैं कि वो जो नौकरी देने का क्रम था वो खत्म हो गया, कम हो गया, और बीएड कॉलेजेस में अब वो खाली बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंस पढ़ने लगे। अब लखनऊ विश्वविद्यालय में आज की डेट में 4 जिले और जोड़ दिए गए हैं और हमारे पास कुल मिलाकर 525 कॉलेजेस हैं सेल्फ फाइनेंस, ठीक है ना, सेल्फ फाइनेंस एडेड और गवर्नमेंट मिला के। तो एडेड कॉलेजेस तो 34 है 5 जिलों को मिलाकर, 5-6 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, बाकी सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। अब आप देखिए कि कहां लखनऊ में हम शिक्षा इम्पार्ट कर रहे थे वही 20 कॉलेजेस से जी।
लखनऊ के अंदर कम से कम 100 से ऊपर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस खुल गए हैं। चिन्हट का बच्चा है तो वो चिन्हट में उसके पास दो दो सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस हैं, वो घूम फिर कर केकेसी केकेबी या विद्यांत के पास क्यों आएगा? बगल में कॉलेज खुल गया, फीस लगभग वही हम भी ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं, बच्चा तो उतना ही है ना, 19-20 के फर्क के साथ है। जी तो पहली बात तो ये हुई जो आपकी, जो आपने सवाल किया कि ढेर सारे नंबर्स ऑफ कॉलेजेस खुल गए हैं एकदम अति वाले। अब आप कहेंगे साहब हमारा एनरोलमेंट रेशियो तो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा एनरोलमेंट रेशियो बिल्कुल जो हायर एजुकेशन में है वो 25% के आसपास है, एनईपी कहती है हम इसको डबल कर देंगे 50% पर। अब यहां से हमारी समस्या का दूसरा पहलू शुरू होता है कि जब बच्चे, हमारा एनरोलमेंट रेशियो कम है तो कॉलेजेस ज्यादा कैसे हो गए? यानी जी मैंने जो पहली बात कही कि कॉलेजेस ज्यादा हैं, अब मैं जी उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा हूं कि कैसे ज्यादा हो गए? तो ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि जो हम ट्रेडिशनल कोर्सेस पढ़ा रहे हैं वो नौकरी नहीं देते, जी बच्चा उनको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा करिकुलम आउटडेटेड है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट है और जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कोई मेल नहीं है। खासतौर से बीए बीएससी तो हम एकदम आउटडेटेड हो गए हैं। जी हम इकोनॉमिक्स जो पढ़ाते हैं उसको पढ़कर लड़का किसी भी इंडस्ट्री में नौकरी नहीं पा सकता है। भाई अगर हमारे पास 1-1.5 लाख लड़का लखनऊ में पढ़ रहा है तो 3 या 4 आईएएस हो जाएगा, 5 आईएएस हो जाएगा, 10 आईएएस हो जाएगा, एक 15-20-25 लड़का टीचर हो जाएगा, जहां पर इसकी जो इस थ्योरेटिकल कोर्स जो हम पढ़ा रहे हैं जिसकी जरूरत है, ठीक। बाकी बच्चा कहाँ जाएगा? उसको वोकेशनल कोर्स पढ़ने की जरूरत है। वोकेशनल कोर्स को लेकर हमारे क्या बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। सरकार एनईपी में हम ही से कह रही है कि हम वोकेशनल कोर्स पढ़ाएं। अरे साहब हम इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हैं, हम वोकेशनल कोर्स ना मेरे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहां से पढ़ा देंगे? तो अब मैंने अपनी दूसरी बात पूरी की कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आउटडेटेड और वो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं उसके बजाय उसको लगता है कि इंटर पास करके कहीं नौकरी पकड़ लो, कहीं भी कोई भी प्राइवेट। आजकल तो गिग इकोनॉमी का दौर है, वो मंत्रा का अगर कुरियर ही डिलीवर करेगा तो शाम को 400-500 रुपए कमा लेगा, वो मेरे पास क्यों आएगा? तीसरी बात, कोरोना के बाद जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा या जो जी लोग एम्प्लॉयमेंट में थे उनका पैसा घटा, जैसे मेरे कॉलेज में मैं अपने बच्चों से जुड़ के रहता हूँ, उसे समझने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे एक बच्चा है उसके पिताजी की नौकरी चली गई, तो अब वो क्या कर रहे हैं? वो घर भर काम कर रहे हैं, उनकी माताजी ने भी कुछ प्राइवेट काम को पकड़ लिया, वो बच्चा भी ट्यूशन पढ़ाने लगा है। तो इसी तरीके से ढेर सारे हमारे बच्चों ने नौकरी पकड़ ली है कोरोना के बाद। अब जी यहां पर मसला हम तीसरी वाली और इस बात को जोड़कर देखेंगे जो तीसरी बात मैंने कही कोरोना के बाद वाली, या जी वैसे भी अगर आप देखिएगा तो पिछले 5-6-7 सालों में इकोनॉमी जिस तरीके से जीएसटी और के खराब इम्प्लीमेंटेशन और डिमोनेटाइजेशन के बाद डिरेल हुई थी, तो जी अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, ठीक बिल्कुल है। और एक नया हल्ला मचा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। मुझे याद आता है अजय जी कि 13-14 में एक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे आता था, अब तो सरकार वो डेटा ही, मतलब वो सर्वे ही नहीं करा रही है। जी वो कहता था कि साहब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 60% ऐसे लोग हैं जो इस बात के इंतजार में रहते हैं कि कहीं कोई नौकरी मिले और हम ये काम छोड़ दें, मतलब वो जबरिया वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो इस कोरोना के बाद उस जबरिया वाला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। अचानक से सब्जी वाले बहुत बढ़ गए, वो ठेले पे आइसक्रीम बेचने वाले बहुत बढ़ गए, फल वाले बहुत बढ़ गए, वो उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया। आप जिन कोर्सेज की बात कर रहे हैं, अगर बीटेक की बात करेंगे तो बीटेक का पैसा देने के लिए कितने बच्चे हैं? अब मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जो मेरे सामने रूबरू रोज आते हैं। जी एक बच्चा बीएससी पास करता है जुलॉजी बॉटनी के साथ, वो बॉटनी से एमएससी करना चाहता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमएससी है, इसके अलावा एमएससी जो है सेल्फ फाइनेंस में है, एडेड में नहीं, कहीं नहीं है। सेल्फ फाइनेंस में एमएससी की फीस है 16,000 रुपया प्रति सेमेस्टर, यानी 32,000 रुपया साल। जी कमजोर घर का बच्चा था, मुझसे कहा सर हम 32,000 रुपया साल देके एमएससी नहीं कर पाएंगे। अच्छा बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा था, नहीं पढ़ पाया। दूसरी बात, जो हमारी गुणवत्ता है इन कोर्सेज की वो शून्य है। वॉल स्ट्रीट जनरल ने आज से 4-5 साल पहले एक डेटा दिया कि हमारे जो बच्चे वो 85% ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 75% एम्प्लॉयबल नहीं है।
मुख्यमंत्री का काम समस्याओं को दूर करने का, उनको उनको बिल्कुल सवाल नहीं उठाने, उनका काम का दूर करना है। जैसे मैं कहता हूं, हाँ मुझे हमारे क्या इकोनॉमिक्स का, अगर बच्चा बेहतर पढ़ ले, बीए इकोनॉमिक्स से पढ़ ले, एमए इकोनॉमिक्स से पढ़ ले, वो इंडस्ट्री में काम का है। ऐसा नहीं मेरा कोर्स बेकार है। आज के डेट में तमाम इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिक्स की जरूरत है, लेकिन हम जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और हमारे का थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी और क्रिएटिविटी उसमें नहीं है। पर आज जानते हैं उस थ्योरी को पढ़कर, जो 70 और 80 के जो पॉलिसीज थी मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमी की, पढ़ाकर बच्चा क्या करेगा। बिल्कुल तीसरी बात इससे जुड़ी हुई, रिसर्च का अभाव हमारे क्या है। हम आज भी रिसर्च पर पूरी दुनिया में सबसे कम खर्च करते हैं, यूपी में तो ना के बराबर है। यूपी में तो ना के बराबर, जो थोड़े बहुत रिसर्च आपके यहाँ हो रहे हैं, वो साउथ में हो रहे हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में हो रहे हैं, और यूपी में तो ना के बराबर रिसर्च है। हमारे हमारे समझ से बाहर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता क्या, जबकि सच्चाई क्या है, सारे रास्ते वहीं से खुलते हैं। मुझे अगर कहा जाए तो मैं इकोनॉमिक्स की ट्रेडिशनल पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दूं। मैं तो कहूं कि आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ और उसके आसपास की इकोनॉमी कैसी है। एज ए इकोनॉमिस्ट मेरा काम यह है कि मैं समझूं कि लखनऊ में अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसे किस तरह का रोजगार मिलेगा, कितने का रोजगार मिलेगा, और अगर हम क्या करें कि यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, कैसी इंडस्ट्रीज यहाँ होनी चाहिए। हमारा काम तो ये करने का है ना, कि क्लास में 2 क्लास बढ़ाने का है। हमको पूरा पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। एक्चुअली एक मसला और है जी कि एक तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, उसमें भी साल में अब 2 सेमेस्टर के एग्जाम होने लगे, 2 बार एग्जामिनेशन फीस जमा करी जाती है, ठीक है, वो तमाम चीजें तो वहां पर तो ही है। इसके अलावा जो मसला है कि कॉलेज कह रहे हैं ये ज्यादा फीस नहीं ले रहे हैं, लगभग वो 30 फीस लेते हैं, 19-20 का, जितनी हम लेते हैं उतनी वो लेते हैं। और प्रतिदिन इतना ही दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य जी अजय जी ये है कि जब अभी कोरोना में बंदी हुई थी, 1.5 साल की बंदी रही, तो सरकारों ने आंकड़ों पर काम नहीं किया। सबसे ज्यादा नुकसान अगर उठाया तो जो 8,000 फैसल फाइनेंस का कॉलेज हमारे क्या है, उसमें जी जो टीचर्स काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए, उनको 1.5 साल तनख्वाह नहीं मिली। जो छोटी छोटी कोचिंगें पढ़ा रहे थे लोग, जैसे कोचिंग एक अच्छा बिजनेस हमारे क्या है कि जो जैसे अगर हम अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, कुछ नौकरी नहीं मिली तो घर पर बैठ गया, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। मशरूमिंग थी कोचिंग्स की, कि अगर मैं अपने घर से निकलूं और 3 किलोमीटर चले जाऊं तो कम से कम 4-5 कोचिंग्स मिल जाएंगी, जहां 5-6 टीचर्स पढ़ाते थे। वो बंद हो गई, उनको पैसा नहीं मिला। हमने तो काम ही हमने तो ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि समस्या का मूल था कहाँ। तो ये स्थिति है। जो सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस हैं वहां पर अब टीचर्स में पे नहीं करना है। एक बार बिल्डिंग बनाने पर जो खर्च हुआ, मैक्सिमम बाहुबलियों के, बड़े नेताओं के, बड़े लोगों के कॉलेजेस हैं, उन लोगों के पास जमीनें थी, उसको जमीन को बचाए रखने के लिए कॉलेज खोल दिया उन लोगों ने। नकल का साम्राज्य है पूरा। जो हमारे क्या का प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस का सिस्टम है, जो प्राइवेट कॉलेज है पूरी दुनिया में, जो प्राइवेट कॉलेज है अजय जी, वो गुणवत्ता को कायम रखने के लिए और बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। और हमारे यहाँ जब आप उत्तर प्रदेश में यहाँ से लेकर पूर्वांचल तक या इधर वेस्ट तक चले जाएंगे, तो आपको नजर आएगा कि अगर बदहाली का, बद इंतजामी का और बेईमानी का कोई स्रोत है तो वो कॉलेज बन के रह गए हैं। वो सारा सच जानते हैं, बस जी दिक्कत इस बात की है कि सच को स्वीकार लेना एक बात है और समस्या को दूर करना दूसरी। हम समस्या को दूर करना ही नहीं चाहते। उसका कारण सबसे बड़ा अजय जी ये है कि ये बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे। क्या रोजगार देने के लिए है इनके पास? भाई अगर काबिल लड़का होगा तो रोजगार की डिमांड करेगा ना। फिर हमारे के आप लड़ेगा देख भी वो लीजिए ना, रोजगार नहीं आप मिलने पर, संघर्ष बिल्कुल, भी आप यहां करेगा। से लेके आप पूरा पूरा पूर्वांचल उठाकर देख लीजिए या वेस्ट उठाकर देख लीजिए, बच्चा यूपी में टिक कर रहा है, जो ज्यादा पढ़ जा रहा है रह कर रहा है यहाँ पर। हमारा छोटा भाई था, कजिन ब्रदर है, इंजीनियर है, ऑटोमेशन का काम बहुत अच्छा जानता है। अभी कुछ दिन तक लखनऊ में रहा, बेंगलोर चला गया, जस्ट डबल पे नौकरी मिली उसको। यहाँ जितने पे काम कर रहा था लखनऊ में, उसकी जस्ट दुगनी पे नौकरी उसको बेंगलोर में मिल गई। तो बच्चे यहाँ क्यों रहेंगे जरा बताइए। हमारे यहाँ एक बड़ी आबादी बहुत गरीब है, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास में है। उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। आपको एडेड कॉलेजेस बढ़ाने हैं, आपको तंत्र को ठीक करना है, नए हिसाब से पढ़ाई करानी है, वोकेशनल कोर्सेज के कॉलेजेस खोलने हैं, लेकिन फीस ना के बराबर रखनी है, उनको सुविधाएं देनी है। अभी बच्चा आएगा, पढ़ेगा और सीखेगा। अगर आप ये उम्मीद करें, क्योंकि जब बच्चा जा रहा है वो देख रहा है कि हरदोई के किसी कॉलेज में गया, देखा उसके घर वालों ने देखा कि यहाँ पढ़ाने से अच्छा तो जो आप कह रहे थे कि 20,000 की गुमटी डाल दो, जी
उसका वो विश्वास खत्म हो गया है ना कि यहाँ से पढ़ के होगा क्या, क्योंकि उसके गांव में पहले से 6 लड़के बीए करके बैठे हैं जो किसी लायक नहीं है। तो सवाल तो इस बात का है ना। जनज्वार, जनता की मीडिया।